बाहर शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 786 786 से ये गहन की नमाज का बयान शुरू होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहदे करीम में जाहिरी हयात के दिनों में एक मरतबा सूरज को गहन लगा, मस्जिद में तशरीफ लाए और बहुत तवील यानी लॉन्ग कयाम और रुकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी कि मैंने कभी ऐसा करते ना देखा। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमा रहे कि मैंने कभी ऐसा करते ना देखा। और ये फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी की मौत और हयात यानी मौत या मौत और जिंदगी के सबब अपनी ये निशानियां जाहिर नहीं फरमाता, लेकिन इनसे अपने बंदों को डराता है। लिहाजा जब इनमें से कुछ देखो तो जिक्र दुआ और इस्तिगफार की तरफ घबरा कर उठो। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा कि किसी चीज के लेने का इरादा फरमाते हैं, फिर पीछे हटते देखा। फरमाया मैंने जन्नत को देखा और उससे खोशा लेना चाहा, और अगर ले लेता तो जब तक दुनिया बाकी रहती तुम उससे खाते, और दोजख को देखा और आज के मिस्र कोई खौफनाक मंजर कभी ना देखा, और मैंने देखा कि अक्सर दोजखी औरतें हैं। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह क्यों? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुफ्र करती हैं। अर्ज की गई, अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? फरमाया शोहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान का कुफरान करती हैं, यानी एहसान फरामोशी करती हैं, एहसान को भुला देती हैं और शोहर की नाशुक्री करती हैं। मजीद फरमाया अगर तू उसके साथ यानी औरत के साथ उम्र भर एहसान करे फिर कोई बात भी खिलाफ मिजाज देखे कहेगी मैंने कभी कोई भलाई तुमसे देखी ही नहीं। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है। सूरज गहन की नमाज जमात से पढ़नी मुस्तहब है और तना तना यानी अकेले के लिए भी हो सकती है, और जमात से पढ़ी या तो खुतबे के सिवा तमाम शराइत जुमुआ उसके लिए शर्त है। वही शख्स इसकी जमात कायम कर सकता है जो जुमा की कर सकता है, वरना वो ना हो तो तना तना यानी अकेले अकेले पढ़े घर में या मस्जिद में। गहन की नमाज उसी वक्त पढ़े जब आफ्ताब गहन लगा हुआ हो, गहन छूटने के बाद नहीं, और गहन छूटना शुरू हो गया मगर अभी बाकी है उस वक्त भी शुरू कर सकते हैं। और गहन की हालत में इस पर अब्र आ जाए यानी बादल आ जाए जब भी नमाज पढ़े, ऐसे वक्त गहन लगा कि उस वक्त नमाज ममनू है तो नमाज ना पढ़े बल्कि दुआ में मशगूल रहे, और इसी हालत में डूब जाए तो दुआ खत्म कर दें और आप मगरिब की नमाज पढ़ें। यह नमाज और नवाफिल की तरह दो रकअत पढ़ें, यानी हर रकअत में एक रुकू और दो सजदे करें। न इसमें अजान है न इकामत न बुलंद आवाज से किराअत, और नमाज के बाद दुआ करें यहां तक कि आफ्ताब खुल जाए, और दो रकअत से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, खा दो दो रकअत पर सलाम फेरें या चार पर। अफजल ये कि ईदगाह या जामे मस्जिद में इसकी जमात कायम की जाए सूरज गहन की, इसलिए ये मसला बयान किया जा रहा है। और अगर दूसरी जगह कायम करें जब भी हरज नहीं। अच्छा, चांद गहन की नमाज में जमात नहीं, ये सूरज गहन की नमाज में जमात है। चांद गहन की नमाज में जमात नहीं, इमाम मौजूद हो या ना हो, बहरहाल अकेले अकेले पढ़े। इमाम के अलावा दो तीन आदमी हो तो जमात कर सकते हैं, अल्लाह करीम तौफीक दे। देखिए सूरज गहन की नमाज सुन्नत है, मौकद है, जो जो सुन रहे हैं मुझे जहां हो सके वो ऐसा करें। अब ये है कि अब आपको यूं हजार आदमी हो तो जमात उकले और ना मरना नहीं करते कि भाई यार 10-20 में क्या करेंगे, नहीं बिल्कुल करें चाहे थोड़े हों। कबूलियत का दारोमदार थोड़े ज्यादा पर थोड़ी है, इखलास पर है।
तो जो भी मस्जिद के इमाम साहिबान जारे कमेटी का भी कमेटियां सुन रही हैं, तो मेहरबानी करके वो सब के सब मस्जिद चाहे तो उलमा से मशवरा कर लें कि सूरज ग्रहण की जमात अफजल है और नमाज सुन्नत मौक्कद है। आप जमात का ऐलान करेंगे कि हम इतने बजे जमात करेंगे, ऐलान करना पड़ेगा टाइम का ताकि लोग आ सकें, तो वो ऐलान करें, भले बेशक कुछ बयान करें सूरज ग्रहण के मसाइल, इसकी रिवायतें बाहरी शरीयत वगैरह से बयान करें, तो इस दौरान लोग जमा हो जाएंगे, तो आप पढ़ें फिर दुआ करें हर कर अल्लाह की बारगाह में। तो इस तरह यह कि एक ज़ाहिर फायदा ही होगा, एक नेकी का काम है, इबादत का काम है। यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी मस्जिदों में वहाँ के वक्त के हिसाब से तरकीब बनाकर ज़रूर ये सूरज ग्रहण की जमात कायम करें, हर बार ऐसा क्या करें, जब जब आपको अल्लाह करे पता चल जाए तो इसको करना चाहिए, वरना अकेले तो पढ़नी है कि सुन्नत मौक्कद है, नहीं पढ़ेंगे तो इस्साअत का हुक्म होगा, बुरा बुरा किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।